हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जे मेंस 2022 में आ चुका है और टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। सॉल्यूशन पे जाएं उससे पहले आपके आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर लें एक बार। इसमें लिखा है, इफ द नंबर्स अपीयर्ड ऑन द टू थ्रोस ऑफ ए फेयर सिक्स फेस्ड डाई आर अल्फा एंड बीटा। इसका क्या मतलब है? जब भी आप डाई को फेंकते हैं तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे करते करते बनता है। अगर हम मान लें कि पहले डाइस में जो नंबर आ रहा है उसको नाम दे दे अल्फा और दूसरे डाइस में जो नंबर आ रहा है बीटा, ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको बताना है कि ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो इक्वेशन है विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो इस इक्वेशन के जीरो से ग्रेटर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। आप एक चीज ध्यान में रखें, जब कोई फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन सकता है। ऐसे ही अगर कोई जो फंक्शन है अगर ये लेस देन जीरो होता तो भी ये एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करता और इसका ग्राफ कुछ नीचे की तरफ ऐसा बनता। ठीक हो गया? तो जब फंक्शन या यूं कहे जब कर्व एक्स एक्सिस को कट करता ही नहीं है तो उसके जो रूट्स हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो ऐसे केस में इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो से लेस होगा। और अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकालें तो वो होगा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट निकाले, डिटरमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट निकाले तो वो हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस फोर बीटा विच इज लेस देन जीरो। सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर लेस देन हो गया फोर बीटा, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर दो डाइस को फेंकने पे जो सैंपल स्पेस बनते हैं वो मैंने यहां पर लिख लिए हैं पहले ही। ठीक हो गया? तो हमें सिर्फ इन सैंपल स्पेस में से सिर्फ वो ही एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मैं एक लेकर दिखाता हूं, जैसे ये वन वन है तो इस पहले वाले वन का मतलब है अल्फा और दूसरे वाले वन का मतलब है बीटा। इसको जरा यहां पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर लेस देन फोर मल्टीप्लाई वन। सॉल्व करोगे ट्रू बैन पर बन रहा है, इसका मतलब है ये जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही इसको भी पुट करके देखो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? वन स्क्वायर लेस देन फोर मल्टीप्लाई टू, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही ये भी करेगा, ये भी ये भी ये भी, ये सारे करेंगे। चलिए अब इस पे आते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। इसको अगर मैं यहां पुट करूंगा, इसमें पहला वाला अल्फा को डिनोट कर रहा है, दूसरा वाला बीटा को, तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर लेस देन फोर मल्टीप्लाई वन। 4 इज लेस देन 4 विच इज रॉन्ग, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसका मतलब है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पर ये सारे यहां पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे ही ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहां से ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे ही ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, पर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे ही आप चेक करेंगे कि तो ये भी नहीं कर रहा सेटिस्फाई, ये भी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही सिक्स में से भी कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखें कितने एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर काउंटिंग करें इन सब की, एक बार काउंटिंग करके देख लो, तो टोटल है ये 17, ठीक है, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे थे। और सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स कितने? 36। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है वो आती है 17/36। तो ऑप्शन पे जाए तो ए ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करता है।